दोस्तों, आज हम आपको एक IAS ऑफिसर बनने के बाद उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है और उनकी पावर क्या क्या होती है, IAS को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, इन सभी विषय पर आज हम जानकारी बताएंगे। दोस्तों, अगर एक बार IAS की परीक्षा निकाल लिया जाए तो हर एक महीने कम से कम 50 सेकंड 70,000 तक वेतन जरूर मिलेगा। IAS ऑफिसर बनने के बाद उन्हें रहने के लिए एक अच्छा बड़ा सा घर दिया जाएगा। IAS ऑफिसर को ऑफिशियल काम के लिए गाड़ी और ड्राइवर भी दिया जाएगा। IAS ऑफिसर को और उनके परिवार को मेडिकल की सुविधा भी दी जाएगी और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, अब तक जितने फायदे बताए हैं यह सभी फायदे ज्यादातर सरकारी नौकरियों में मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो सिर्फ IAS ऑफिसर को ही मिलते हैं। IAS ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। वह एक तरह से सरकार और जनता के बीच की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। कई सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी किसी ना किसी IAS ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं। उन सभी अधिकारियों को नियंत्रित IAS ऑफिसर ही करता है। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को IAS ऑफिसर ही स्वीकृति प्रदान करते हैं। सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रम की देखरेख IAS ऑफिसर ही करता है। IAS ऑफिसर ही कई विकास कार्यक्रमों के लिए फंड स्वीकृति देता है। IAS ऑफिसर यह भी सुनिश्चित करता है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले विभिन्न सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। IAS ऑफिसर को अपने अधीन विभिन्न कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार है। IAS ऑफिसर जहां कहीं भी जाता है, सारे लोग उनके आगे पीछे करने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्टर से लेकर बड़े बड़े अधिकारी उनके आगे पीछे इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगता है कि कहीं यह IAS ऑफिसर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना कर दे या फिर उनका कोई काम ना रोक दे। बड़े बड़े नेता से लेकर गांव के मुखिया तक IAS ऑफिसर को जानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनके संपर्क में रहते हैं। सभी बड़े बड़े आयोजनों, फंक्शन और पार्टियों में IAS ऑफिसर को बुलाया जाता है और उन्हें सम्मान से स्वागत किया जाता है। IAS की सहमति से ही बड़े बड़े कामों पर स्वीकृति मिलती है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट सही से नहीं चल रहा है तो IAS ऑफिसर चाहे तो कोई भी प्रोजेक्ट रुकवा सकता है। गांवों और शहरों के जमीन के लेन देन से लेकर जाति प्रमाण पत्र बनवाने का काम भी IAS ऑफिसर के हस्ताक्षर से हो पाता है। दोस्तों, इस तरह IAS ऑफिसर सचमुच में एक पावरफुल सरकारी अधिकारी है। IAS ऑफिसर बनने का सपना लाखों लोग हर साल देखते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल पाती है। हमें आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।